अरे गुलाबो, एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए, जा। क्या कहा जी आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा कहना। अरे गुलाबो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी लाके दे दे प्लीज। अच्छा, तो जनाब को पानी चाहिए? मैं तो तेरी नौकरानी हूँ जो तुझे पानी लाकर दूंगी। गुलाबो, यू आर माई रिलीजन वाइफ, तू मेरी धर्म पत्नी है, पानी मुझे तू नहीं ला के देगी तो कौन ला के देगा, बता। धर्म पत्नी तो आपकी एक और भी है ना, जाओ उससे मंगवा लो पानी। और वैसे भी ना, मेरे पास इन छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं है, समझ गए? और नहीं समझे ना जी, तो मुझे आपको ना अच्छे तरीके से समझाना भी आता है, समझाऊं क्या? नो, आई विल मैनेज। मैं समझ गया, तू कैरी ऑन कर। चमेली, एक गिलास पानी लेके आ तो मेरे लिए, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बताओ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आराम से नहीं बोल सकते? बोलो, क्या काम है? आई एम ए थ्रस्टी क्रो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, प्लीज मुझे एक गिलास पानी ला दे चमेली। मैं क्या तेरे बाप की नौकर हूँ? इस महारानी से मंगा लेना जो पूरे दिन सेल्फी में लगी रहती है, घर का काम तो कुछ करती ही नहीं। ए चमेली, मुंह संभाल के बोल, नहीं करती मैं घर का काम, जा। क्या कर लेगी तू, मोटी भैंस कहीं की? रुक, मैं बताती हूँ तुझे, तो एक थप्पड़ पड़ते ही अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, मोटी खड़ूस कहीं की। ए चमेली, तू हाथ लगा के तो दिखा, तेरे दोनों टांगे तोड़ कर तेरे हाथ में ना दे दी ना, तो मेरा नाम भी गुलाबो नहीं है, समझी? मुझे भी चमेली यूं ही नहीं कहते, रुक अभी बताती हूँ तुझे। तेरी तो, अरे रुको रुको, प्लीज वेट। तुम दोनों कभी आराम से भी तो रह लिया करो, हमेशा एटम बम की तरह फटने के लिए तैयार रहती हो। अरे फटना ही है, तुम दोनों के साइज के हिसाब से तुम दोनों को फटना है तो पाकिस्तान में जाके फटो ना आतंकवादियों पे। आप हट जाओ जी, हमेशा बीच में आ जाते हो। आज सुनो ना, इस मोटी भैंस को ठीक करके रहूंगी। अरे रुको, तुम दोनों ऐसे करो, अंदर चले जाओ, पानी मैं खुद पी लूंगा। आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, प्लीज। तुम हटा जी बीच में से, आज तो हिसाब कर ही लेने दो मुझे। तू छोड़ ही नहीं, ये मेरे पति देव है, समझी? तू छोड़, ये मेरे पति देव है, ये मेरे पति देव है, अरे ये मेरे पति देव है, ये मेरे पति देव है, ये मेरे पति देव है, समझे तू? ऐसा हाल हो जाएगा।